फ्रेंड्स, आई एम गुप्पू हियर। तो फिर बताओ क्या दोस्तों, क्या तुम्हें टाइम देखना आता है? नहीं आता? ओ कोई बात नहीं है, चलो मैं तुम्हें टाइम देखना सिखाता हूँ। और लेकिन रुको रुको, टाइम देखने से पहले ना तुम्हें एक चीज़ आना बहुत ज़रूरी है, और वो है 5 का टेबल। आता है तुम्हें? हाँ मुझे पता है तुम्हें 5 का टेबल आता होगा, मुझे भी आता है। चलो अपन संग में बोलते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50, एंड 5 11 55। यस, ये भी तुम्हें याद करना होगा। हाँ अगर तुम्हें टाइम देखना सीखना है ना, तो तुमको ये आना ही चाहिए कि 5 11 55 होते हैं। ठीक है, ओके, तो फिर चलो अभी अपन सीखते हैं। अच्छा दोस्तों, तुमने इन पिक्चर्स में एक चीज़ नोटिस की कि मैंने है ना हर उस नंबर के साथ 5 को मल्टीप्लाई किया है जो बड़ी सुई को टच कर रहा है। यस, क्योंकि बड़ी सुई जो होती है ना वो हमें मिनट्स के बारे में बताती है। जैसे अगर बड़ी सुई 4 पे है तो 5 4 20, यानी कि 20 मिनट्स हो रहे हैं। समझ में नहीं आया? चलो मैं अच्छे से और समझाती हूँ। देखो हमारे जब पास जो घड़ी होती है ना उसमें 3 सुइयाँ होती हैं। एक सुई जो होती है ना वो तो हर वक्त चलती रहती है, उसको हमें नहीं देखना है क्योंकि वो सेकंड की सुई होती है। ओके, अब हमारे पास 2 सुइयाँ और बचती हैं, एक बड़ी और एक छोटी, वो रुकी सी रहती हैं। तो जो छोटी सुई होती है ना वो जिस भी नंबर पर होती है ना वो उतना ही टाइम हो रहा होता है। लाइक अगर वो ना 4 पे है तो 4 o'clock, 2 पर है तो 2 o'clock, 3 पर है तो 3 o'clock, 9 पे तो 9 o'clock। लेकिन फिर तुमसे कोई पूछेगा, अरे भाई 4 o'clock तो हो रहे हैं लेकिन मिनट्स कितने हो रहे हैं, 4 बजकर कितने मिनट हुए हैं, वो तुमसे कोई पूछेगा तो फिर क्या बोलोगे, क्या आंसर दोगे? इसीलिए हमें है ना बड़ी सुई का ध्यान रखना है। बड़ी सुई जिस पे भी होगी ना उतने ही मिनट्स हो रहे होंगे। लाइक अगर वो 4 पे है तो 5 4 20, 10 पे है तो 5 10 15 मिनट्स, और 3 पे है तो 5 3 15 मिनट्स, और 9 पे है तो 5 9 45 मिनट्स। और फिर तुम इजीली बता दोगे कि इट्स 10 past 2, मतलब 2 बजकर 10 मिनट हुए हैं, और इट्स 30 past 6, मतलब 6 बजकर 30 मिनट हुए हैं। तुम कोई भी कुछ भी टाइम तुमसे पूछेगा तुम इजीली बता दोगे क्योंकि तुमको टाइम देखना आ चुका है। और अगर दोनों सुइयाँ एक ही नंबर पे हों तब हमें क्या करना होगा, हम क्या कैसे बताएंगे कितना टाइम हुआ है? वेरी सिंपल, तब भी हमें वही करना है, हमको 5 से मल्टीप्लाई करना है। जिस नंबर पे भी दोनों सुइयाँ होंगी ना उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। लाइक अगर वो 7 पे है तो 7 5 35, यानी कि 7 बजकर 35 मिनट हुए हैं, 7:35 हुए हैं। और अगर 8 पे है तो 8 5 40, यानी कि 8 बजकर 40 मिनट हुए हैं। और अगर 10 पे है तो 10 5 50, 10 बजकर 50 मिनट हुए हैं। 11 पर है तो 11 5 55, यानी कि 11 बजकर 55 मिनट हुए हैं। और 12 बजने में 5 मिनट्स बचे हैं। जब दोनों सुइयाँ 12 पर आ जाती है ना तो 12 o'clock। सो सिंपल, आ गया ना टाइम देखना, इट्स सो ईजी यार। अच्छा दोस्तों, आई होप यू गेट अंडरस्टैंड कि टाइम कैसे देखते हैं, ठीक है। और फिर भी अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया ना तो इस वीडियो को तुम बार बार देखना, तुम्हें सच में समझ में आ जाएगा और तुम सच में सीख जाओगे कि टाइम कैसे देखते हैं। फिर तुमसे कोई भी कहीं भी पूछे ना तो तुम टाइम फटाफट से बता दोगे कि कितना टाइम हुआ है। ओके, अब मैं भी जा रहा हूँ, मेरा टाइम हो रहा है जाने का। बाय बाय, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, तुम मेरे दोस्त हो ना। ओके बाय बाय।